हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पेंद्र है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा जो कि मैंने टीवी परचेस किया आई फॉल्कन जो कि 32 इंच का टीवी है। तो चलिए तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, अनबॉक्स करूंगा और रिव्यू करूंगा तो मुझको इसमें क्या क्या मिला है। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, वीडियो को बहुत ही इंटरेस्ट है। तो आपको जानना चाहिए कि बिग बिलियन डे में जो फ्लिपकार्ट अभी बहुत ही बड़ी सेलिंग चल रही है तो इसके माध्यम से मैंने मंगाई है, तो इसमें मुझको क्या क्या मिलता है तो सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। और इसमें पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी किस प्रकार आती है तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आप लोगों को बताते हैं। तो इसमें आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो आप इसमें क्रोमा की यहाँ पर देख सकते हो, क्रोमा केस्ट है और ब्लूटूथ भी यहाँ पर जो ऊपर लिखा है, ठीक है। तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा तो इसमें मुझको क्या क्या मिला है, ठीक है, और इसको हम कैसे अभी चलाते हैं और कैसे पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और इसका बिल और प्राइस, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम करते हैं इसको अनबॉक्स और करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इस बॉक्स को। तो यहाँ पे देख सकते हो आई फॉल्कन की टीवी है जो इस सबसे पहले मुझको ये मिला, ठीक है। तो इसको रखते हैं हम साइड में अभी। और दूसरे नंबर पे मिलता है मेरे को ये डिब्बा, तो इस डिब्बे को भी हम रखते हैं साइड में भी, ठीक है, क्योंकि हमको इसका कुछ काम नहीं है। तो चलिए तो अभी हम इसको भी साइड में रखते हैं। और दूसरे नंबर पर निकलता है ए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक रिमोट निकलता है और रिमोट आप देख सकते हैं इसमें रिमोट दिख रहा होगा। और एक आपको निकलता है सेल, जो कि दो सेल निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सेल निकलने के बाद आपको चार कीले मिलेगी, ठीक है, और एक आपको मिलेगी ऑडियो जैक जो कि इनपुट है और यहाँ पे एवी प्लेयर की लीड, ठीक है। तो आप इसमें लगा सकते हो, अपने सेटअप बॉक्स को कनेक्ट कर सकते हो इसके माध्यम से, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम इसको रखते हैं साइड में। और अभी हमको दो मिलते हैं इसके जो माउंट है, जो नीचे वाले स्टैंड है, जो कि आप इसको स्टैंड लगा के आप इसको नीचे रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए तो अभी हम इसको रखते हैं साइड में और इस टीवी को करते हैं अभी ओपन और निकालते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कि मुझको HDMI पोर्ट और USB पोर्ट कितना कुछ मिलता है तो सब कुछ डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो चलिए तो अभी हम इसको करते हैं ओपन। तो देखिए ये हमारी टीवी जो कि ओपन हो चुकी है। तो कुछ इससे जो कि हमने फ्लिपकार्ट से मंगाई, आप इस डिब्बे को रखते हैं साइड में और आप अब आप देख सकते हो जो कि कुछ इस प्रकार से हमारी टीवी निकली है। तो अगर आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, तो आप देखिए कितनी शाइनिंग चमक आ रही है इसमें। अभी हम इसकी पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी पढ़ सकते हो आप, इसमें भी कुछ लिखा और यहाँ पे टैपिंग है, ठीक है, अच्छे तरीके से जो फ्लिपकार्ट के तरीके से आई है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमको क्रॉच नहीं है, ठीक है। तो चलिए तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हो इसकी शाइनिंग भी आपको दिखाई दे रही होगी, तो कुछ इस प्रकार से। तो चलिए अब नीचे की साइड हम देख लेते हैं, नीचे की साइड हमको कितने पोर्ट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो इस साइड आपको पोर्ट मिल जाएंगे लगाने के लिए। तो देखिए अब अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर मिलेगा आपको एक USB पोर्ट और नीचे मिलेगा आपको मिलेगा एक इंटरनेट केबल। तो यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेट केबल, और दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको जो कि नेटवर्क, जो कि नेटवर्क कनेक्शन वाला, ठीक है, और तीसरे नंबर पर मिलेगा HDMI पोर्ट और HDMI 2 पोर्ट, ठीक है, और एक AV लीड जो कि मैंने अभी बताया था, और तीसरे लास्ट वाले ऑप्शन पर मिलेंगे हमको ऑडियो जैक जो कि आप ईयरफोन लगा कर इसमें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए तो अभी हम इस टीवी को करते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद अभी हम इसकी साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी आप लोगों को बताते हैं। तो वीडियो करते हैं अभी प्ले, ठीक है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने यहाँ पे अपनी जो लीड वो टीवी कनेक्शन कर दिया है और इसका चालू भी कर दिया, ठीक है। तो आपको इंडिकेटर जल रहा होगा, तो अभी हम इस रिमोट से इस टीवी को ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसको पावर बटन आपको दिख रहा होगा, ये रहा रिमोट इसका। तो आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हमने सेल भी इसको डाल लिया अंदर, ठीक है।
तो चलिए तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे हमने ओपन किया तो इसका इंडिकेटर चालू हुआ, चालू होने के बाद कुछ इस प्रकार से हो गया चालू। तो चलिए तो अभी हम देखते हैं। तो इसमें जो आपको सेटअप करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही आप नया टीवी कोई भी परचेस करते हो, या मोबाइल या कोई भी मालिक कोई भी चीज़ परचेस करते हो, तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार से इस कंपनी का लोगो और एंड्रॉयड बन के आ जाता है। इसमें करीब सेकंड लगता है, करीब मैं बता दूँ करीब 30 से 40 सेकंड लगता है जो कि टीवी ओपन हो जाता है। एंड्रॉयड टीवी लिख के आ चुका है। तो चलिए तो अभी हम इसको थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने के बाद थोड़ी से आपको रिमोट से जो आपको आई एग्री जो भी मांगेगा तो आपको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। हम ओके करते हैं। जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पर जो आपका टीवी और एंड्रॉयड फोन आईफोन तो आपको नेटवर्क, तो अब इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो अभी स्किप करते हैं। तो जैसे हमने स्किप किया तो यहाँ पे बहुत सारी वाईफाई आ जाएंगी, तो इसको भी अभी इसको भी आपको स्किप कर देना। सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अभी हम इसको भी स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट आएगा, तो आपको एक्सेप्ट कर देना। तो जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्ट का बटन आएगा, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट कर देना। तो जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड टीवी, लाइव रूम, फैमिली रूम और वाइड रूम जो इंटर कस्टम नेम, ठीक है। तो आप इसमें कस्टम नेम डाल सकते, हम नाम यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। जो भी आपको अपना नाम डाल लेता, हम यहाँ पे नाम डाल लेते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बहुत ही ईजी तरीके से वर्क कर रहा है। तो हम डाल लेते हैं पी के ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इंटर का बटन होगा, तो अभी हम इसमें इंटर बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे अभी हम इसको इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने एक्सेप्ट किया और योर स्मार्ट टीवी पावर बाय एंड्रॉयड, ठीक है। तो अभी इसको एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। आपको बीच का बटन दबाना, ज़्यादा कोई बटन नहीं दबाना। इससे होम शॉप, तो आपको होम कर देना, ठीक है। तो चलिए तो अभी हम इसको होम कर देते हैं और इंडिया सेलेक्ट करते हैं, ओके। और यहाँ पे आई एग्री, तो ओके आई एग्री फिर से, तो आपको ओके कर देना, ठीक है। ओके अलाउ नो थैंक्स है, तो ऑटो मेटिक अपडेट, तो अभी हमको नो थिंग्स कर देना, ठीक है। अभी हमको अपडेट नहीं करना क्योंकि अभी हमने इसमें इंटरनेट नहीं दिया, ठीक है। तो अभी नो थिंग्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आया, तो यहाँ पे मगर प्लीज़ इसमें पढ़ सकते हो, प्लीज़ एंड होल्ड अ होम एंड ओके बटन रिमोट सेम, ठीक है। ओके बटन और होम बटन, ठीक है। पहले आप होम बटन दबाइए, प्रेस होल्ड होम एंड ओके। पहले आपको होम बटन, आप देख सकते हो इसमें नीचे आपको होम बटन, क्योंकि बहुत सारे भाई जिनको पता नहीं रहता, तो पेयर करने के लिए रिमोट आपको इसमें कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा बटन बता रहा है, होम बटन एंड ओके बटन, ये रहा हमारा होम बटन, ये रहा ओके बटन, ठीक है। इसको दबाते हो, इसको दबाते, तो कुछ ही सेकंड के बाद हमारा जो रिमोट है वो पेयरिंग होने लगा, स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा रिमोट है वो पेयरिंग हो चुका है। तो इसमें अब 100% सक्सेसफुल कनेक्ट हो चुका है हमारा रिमोट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको इतने सारे ऐप्स मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स, TCL चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा आपको वेट करना, ठीक है। TCL प्राइम वीडियो और TV, YouTube और गूगल प्ले, ठीक है, मीडिया सिक्योरिटी, ठीक है। तो आपको इतने सारे ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे और यहाँ पे कस्टम कर सकते हो, ठीक है। कस्टम चैनल आपको मिल जाएगा, तो आप इसमें नेक्स्ट कर सकते हो, बैक कर सकते हो, जो भी आपको करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऐप्स देख सकते हो, ऑल ऐप्स में आपको इतने सारे मिल जाएंगे। प्ले स्टोर भी आपको मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर प्ले स्टोर मिल रहा है, ठीक है। प्राइम वीडियो और TCL होम, अभी हम इसको करते हैं बैक, और इसकी हम वॉइस भी चेक कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट का जो बटन है, तो इसमें अभी लेकिन इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इसलिए इसमें बोल रहा है कि अभी आप इंटरनेट कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बैक करते हैं और इसकी हम सेटिंग को देख लेते हैं। तो देखिए इस सेटिंग में जा रहा है, और इसका आप एंड्रॉयड वर्जन भी चेक कर सकते हो, स्मार्ट टीवी, ठीक है, अकाउंट है, आप यहाँ पे ऐप्स है, डिवाइस है, रिमोट है, इतने सारे ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे, ठीक है।
तो चलिए, तो यहाँ पे अबाउट ऑप्शन है, होम, इनपुट है, इनपुट से आप अपने सेटअप बॉक्स में जो भी करना हो तो आप कर सकते हो। अबाउट में गए तो अबाउट में हमारा डिवाइस नेम आ गया, और स्मार्ट है, मॉडल, मॉडल जो कि एंड्रॉयड वर्जन 11 है, तो जो अभी हमने बताया था, ठीक है, तो इसका वर्जन आप चेक कर सकते हो, जो एंड्रॉयड वर्जन पैच लेवल 5 जनवरी 2020, ठीक है, 2022। और आप इसमें देखिए इनपुट में आपको मिल जा रहा, जैसे कि अगर आपने सेटअप बॉक्स कनेक्ट किया तो यहाँ हमारा देख सकते हो सेटअप बॉक्स कनेक्ट है। तो अभी हम इसको वन में करते, जैसे ही करेंगे तो देखिए अभी हमारा इसमें है, तो ओके, तो जैसे हमने ओके किया तो यहाँ पे आप देखिए तो हमारा कुछ ही सेकंडों के बाद जो हमारा प्ले हो जाएगा। तो चलिए अभी बैक हो जाते हैं, इनपुट तो यहाँ पे होम में लगा था, एक आपको मिलेगा टीवी का, और HDMI 1, HDMI 2, मीडिया प्लेयर, AV प्लेयर, तो हमारा कौन में लगा, इसमें लगा वन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा HDMI और इसका मेक योर डिवाइस, ठीक है, तो इसमें नहीं है। तो चलिए हम दूसरा देखते हैं, HDMI, दूसरा HDMI देखते हैं, तो इसमें हमारा जो नो सिग्नल बता रहा, तो जैसे हम मेनू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा जो सेटअप बॉक्स का मेनू है तो वो मेनू खुल चुका है, तो आप देख सकते हो, देखिए कुछ इस प्रकार से सेटअप बॉक्स हमारा जो HDMI से कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए, तो अभी हम बाय नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको जो भी टॉपिक चाहिए इस टीवी से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको वो वीडियो देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बाय, टेक केयर।